नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे हंस राजयोग के बारे में। हंस राजयोग जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे देखें और हस्त रेखा के माध्यम से हंस राजयोग कैसे देखें, इन दोनों विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली के माध्यम से बात करें तो इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है कि हंस राजयोग कैसे बनता है। तो हंस राजयोग जो है वो एक पंच महापुरुष योग है, यानी बहुत ही अत्यधिक शुभ परिणाम, शुभ फल देने वाला योग है हंस राजयोग। हंस राजयोग व्यक्ति को धन देता है, उच्च पद देता है और धर्म के प्रति निष्ठावान बनाता है। तो हंस राजयोग जन्म कुंडली से कैसे देखते हैं? तो मित्रों, जन्म कुंडली में केंद्र भाव में यानी केंद्र भाव जन्म कुंडली के कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव। डिस्प्ले पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव। तो जन्म कुंडली में इन चारों भावों को केंद्र भाव कहते हैं। तो केंद्र भाव में गुरु ग्रह जो है, जहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ हो या फिर 4 नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ पर विराजमान हो जाए तो ऐसे में बनेगा हंस राजयोग। 9 नंबर और 12 नंबर जो है वो गुरु ग्रह की राशियाँ हैं। 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं गुरु ग्रह। और कर्क राशि 4 नंबर जो है वो कर्क राशि, कर्क राशि में गुरु ग्रह जो है वो उच्च के हो जाते हैं। अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र भाव में हो तो जन्म कुंडली में बनाते हैं हंस राजयोग। और हंस राजयोग जो है वो शुभ परिणाम देने वाला योग है। तो मित्रों, ये तो हो गया जन्म कुंडली के आधार पर। अब जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वे कैसे चेक करें कि हंस राजयोग है या नहीं? तो उन्हें हस्त रेखा के माध्यम से चेक करना होगा। अब डिस्प्ले पर जो हस्त दिखाई दे रहा है, इसमें आपको देखना है अंगूठे के पास वाली उंगली। अंगूठे के पास वाली उंगली जो है वो तर्जनी उंगली होती है और तर्जनी उंगली के नीचे होता है गुरु पर्वत। और गुरु पर्वत जितना उठा हुआ होगा, गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि आप पर उतनी ही बनी रहेगी। और गुरु ग्रह जिन पर प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह जिनके जीवन में जन्म कुंडली में शुभ होते हैं, उन्हें वो उतने ही शुभ फल देते हैं। जैसे गुरु ग्रह जो है शुभ होते हैं तो वो उच्च पद देते हैं, उच्च पदाधिकारी बनाते हैं, जीवन में कई सुख देते हैं, धन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। तो आपको देखना है कि गुरु पर्वत अगर अच्छा है, उठा हुआ है, तो गुरु का शुभ प्रभाव जो है आपको जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। और गुरु पर्वत पर किसी भी तरह क्रॉस का निशान है, छोटा बड़ा क्रॉस का निशान है, तो आपके जन्म कुंडली में कहे तो, आपके जीवन में कहे तो, हंस राजयोग के फल यानी हंस राजयोग जो फल देता है वो फल आपके जीवन में अवश्य मिलेंगे। यानी आपके जीवन में किसी भी तरह के सुखों की कमी नहीं होगी, उच्च पद आपको अवश्य मिलेगा और समाज में आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, ये थी मेरी ओर से हंस राजयोग के बारे में जानकारी, जो मैंने जन्म कुंडली के माध्यम से और हस्त रेखा के माध्यम से कैसे देखें इसके बारे में बताया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।